हाय, मेरा नाम है अनुपल एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड स्पाई। बॉलीवुड स्पाई में आपका स्वागत है। हिंदी इंग्लिश दोनों लीजिए आप। सर क्या कहना चाहेंगे डेरी टू के बारे में अगर बात करें? क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि आप आके देखिए। किस तरह का किरदार है आपका? मेरा किरदार बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक डॉक्टर है जो बचपन में देविका से को पसंद करता था और अब जवानी में उससे वापस मुलाकात होती है तो उससे प्यार हो जाता है। रोमाना, यू कैन प्लीज कम एंड जॉइन मी एंड लेट्स डू द चिकन डांस टुगेदर। आई हैव नो इश्यूज। बुला लूं मैं उनको साथ में नृत्य के लिए अपने साथ? हेलो, यू बीन डिस्ट्रैक्टिंग मी सो आई एम जस्ट टेकिंग अ रिवेंज। Yes, and we can do the interview together. We can get the chair, no? No, I'm good. I just want to distract you. Please. Sir, ये किस तरह का डॉक्टर है? किस तरह का डॉक्टर है? आंखों का डॉक्टर है सर, ऑप्टोमोलॉजिस्ट है। कितना मजा आया सर ये सीरीज में? फर्स्ट में भी थे, सेकंड में थे, आप दोनों में हैं? सेकंड में हूँ। नहीं, फर्स्ट सेकंड दोनों में थे ना? फर्स्ट में नहीं था, मेरा इंट्रोड्यूस हो रहा है इस सीजन में कैरेक्टर। और कौन कौन है को-आर्टिस्ट की अगर बात करें? कितने लोग हैं? सभी हैं। मेरा मेन जो स्टोरी लाइन जाती है वो आशिमा के साथ जाती है और संजय सर के साथ जाती है, बट ऑफ कोर्स मेरा इंटरेक्शन सबके साथ है। रुमाना के साथ, रश्मि के साथ, नाहिद के साथ, दीपिका जी के साथ, सुनील जी के साथ जो आशी के पेरेंट्स प्ले कर रहे हैं, तो सबसे इंटरेक्शन है मेरा, बट माई मेन ट्रैक इज विद आशिमा एंड संजय जी। बिल्कुल नहीं सर, मैं चाहूंगा कि आप लोग देखें, मैं क्यों बताऊं? और कैसा एक्सपीरियंस साथ में, कहां पे शूट हुआ है सर आपके? सर ज्यादातर तो वी शॉट इन बॉम्बे ओनली, बट ऑफकोर्स कुछ आउटडोर लोकेशंस के लिए हम जयपुर में भी थे, हम एक लोकेशन के लिए वाडा भी गए थे, बट मोस्टली वी शॉट इन बॉम्बे। सरकार पकड़ लेती पर उसके बाद खुलने के बाद, कोरोना खुलने के बाद कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, मास्क में शूट करना, 10 लोगों की जगह 4 लोगों में काम करना। देखिए क्या होता है कि आई पर्सनली फील के हमारी जो इंडस्ट्री है उसको ज्यादा हिट हुआ था, क्योंकि हम लोग डेली वेजर्स होते हैं, ऑलमोस्ट एंटायर इंडस्ट्री, कोई भी सैलरी तो नहीं होता है। तो जब 6-8 महीने के लिए काम रुका था तो बहुत लोगों की कमाइयों पे बहुत असर हुआ था, नॉट जस्ट दी एक्टर्स, हम लोगों के तो पेचेक्स थोड़े ठीक होते हैं, बट लाइट मैन, स्पॉट दादा, जो कॉस्ट्यूम असिस्टेंट हैं, वो सब इस चीज़ पे रिलाय करते हैं कि वो साल में 300 दिन सेट पे जाके शूट कर सकते हैं, 250-300 दिन, और उससे उनका घर बार चलता है। और अगर आप वो साल में 160-180 दिन उस काम पे आप रोक लगा दें तो बड़ी कठिनाई होती होगी यार परिवारों को, हमें ही हुई थी। तो हम डेली वेजर्स ही हैं, बस वेतन का हमारे फर्क है, संख्या का, अंकों का, और देयरफॉर इट वाज बिट अनप्लान्ड, इट वाज बिट अनफॉर्चुनेट द वे इट हैपेंड, बट शुक्र है शुरू हुआ। अल्टीमेटली पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये हालत हो गई थी कि यार भुखमरी से मरने की बजाय बीमारी से मर जाते हैं, द वर्ल्ड वॉज फीलिंग इट, और उसी जरूरत के कारण शायद सब काम पे उतरे। आज भी डरे हुए लोग? देखिए डर का तो यूं है कि आप पे निर्भर है आप कितना डरना चाहते हैं। आप प्रिकॉशंस लीजिए, आप आपके जो कंट्रोल में है उस चीज को कंट्रोल करिए, उसके आगे तो आपको जिंदगी चलानी पड़ेगी ना, आप थाम तो नहीं सकते जिंदगी। मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे थे, सुने थे, पढ़े थे, लोगों ने जिन्होंने वर्ल्ड वॉर टू देखी थी, वो कह रहे थे कि यार उन दिनों हमारी जिंदगी ज्यादा आसान थी, क्योंकि सर पे बम तो गिर सकता था पर कम से कम हर रोज उठ के दोस्तों के साथ पब में जाके दारू तो पी सकते थे, दोस्तों के घर पे बैठ के खाना खा के ठहाके मार सकते थे, डर था सर पे पर अकेलापन नहीं था इतना। तो इस बीमारी ने लोगों को बहुत अकेला छोड़ा है, वो सबसे खराब चीज रही है। इतना डर भी नहीं होना चाहिए कि हम इंसानी फितरत को छोड़ के एकदम अकेले हो जाएं यार। आपके लॉकडाउन कैसा रहा? कि कुछ लोगों को बना गया, कुछ लोगों को बिगाड़ गया, किसको जीरो कर गया, किसको हीरो कर गया, लोग सिंगर बन गए, डायरेक्टर बन गए घर बैठ बैठ कर, कोई सेफ बन गए। तो देखिए मैं कहूंगा कि लॉकडाउन मेरे लिए पर्सनल लेवल पे बहुत सेटिस्फाइंग रहा। हमने 2 नाटकों की रिहर्सल कर ली, खड़े कर दिए,
हमने उसके कुछ शोज भी कर दिए, हमने नवंबर और दिसंबर में शोज किए उनके. बहुत चैलेंजिंग टाइम था, मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ. मेरा अपने आप से एक बहुत अच्छा नाता बना इस लॉकडाउन में, क्योंकि आपके पास और कोई चारा नहीं बचा, आप अपने आप से भाग नहीं सकते, समझने का एक्सपेरिमेंट करने का पूरा टाइम था. आप अपने आप से भाग नहीं पाए. आप कितना कंटेंट देख लेंगे, और आपको इतने बहुत खूबसूरत तौर पे सोचने पे मजबूर किया. तो जैसे कहते हैं ना कि अध्यात्म आध्यात्मिक रहा इन वे, दो कपड़ों में पूरा रहना सीख गए लोग. हाँ, मतलब आपको बहुत मजेदार रहा. मुझे आई केम यूजुअली एट पीस विद माय सेल्फ एंड ऑल एवरीबॉडी गोज थ्रू टर्मोइल इन लाइफ. हर एक को अपनी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं. आपने भी झेली होंगी अपनी, मैंने भी झेली होंगी, और हर इंसान ने झेली है. प्रधानमंत्री ने भी झेली होंगी कि कोरोना को कैसे संभालना है, और वो मजदूर जो सड़क पर चल के जा रहा था उसने भी झेली होंगी कि जिंदा कैसे रहना है. तो ये अकेलेपन बड़ा इंटरेस्टिंग था. हर इंसान को शायद उसने ज्यादा परिपक्व बनाया होगा मानसिक तौर पे. स्टोरी की बात करें, हाथ में बोतल है पीछे, मोस्टली सभी का जैसे टाइटल से मालूम पड़ता है, तो आपका जो किरदार है डॉक्टर का, जी क्या ड्रिंक करते हैं? नहीं, मैंने दारू इस शो में सोशली भी नहीं पिए शायद. देवदास देविका है, आशिमा है. तो दिस इज एन ओड टू देवदास. सो उनका जो वो अपने पेन से डील करती हैं, जो किरदार है वो इन चीज़ों का सहारा लेके डील करता है, क्योंकि वो उनको इंटरेस्टिंगली कोरोना ने आपको अपने आप को फेस करना सिखाया, और देवदास जो किरदार है वो अपने आप का सामना करने की बजाय भागना पसंद करता है, और उस भागने के लिए सहारा अल्कोहल का देवदास किरदार लेता है. So rebel is a version of it, but I think it's running away. लेकिन सिर्फ देवदास एक वर्ड है, लेकिन डीडी में आपने दो डाल दिए इसके अंदर, वो मेल वर्जन है, ये फीमेल कर दिया है डीडी. पर सर हर कहानी में चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, उसके तंस और उसकी तकलीफें वही रहती हैं. दिल का दर्द, अगर आपका दिल टूटा है, लड़की का दिल टूटा है, दर्द तो दोनों को हो रहा है ना सर. और वो दोनों किस तरीके से डील करते हैं वो हर एक की इंडिविजुअल जर्नी है. देविका धर्म द्विवेदी उनका नाम है, हमारी धर्म द्विवेदी, देव डी डी, वर्ड प्ले है सर, शब्दों का हेर फेर किया गया है. तकिया कलाम बनने वाला है, तकिया कलाम या क्या देवदास बना हुआ, क्या देव क्या देविका बनी हुई है, क्या देव डीडी बनी हुई है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं. तो पूरी मस्ती थी, मतलब पूरा किरदारों की अपनी मस्ती होती है, अपनी जर्नी होती है, पर हम एक्टर ने बड़ा मजा किया आपस में, तो हमारी शूट बड़ी अच्छी रही आपस में. बेवड़ों की कहानी कह सकते हैं? नहीं सर, वो तो बहुत छोटा नजरिया हो जाएगा देखने का. बड़ा हाँ, मतलब एक अगर कोई एक अल्कोहलिक भी हो और हम उसको अगर सिर्फ अल्कोहलिक पे ही के तराजू में तोल दें तो वो गलत होगा ना. वो इंसान भी है, उस किस वजह से उसने दारू का रुख किया, उसकी क्या स्ट्रगल रही, हमें इंसानी नजरिया रखना पड़ेगा. ऐसे दो चार शब्दों में नहीं घूम सकते हम. तो डॉक्टर कैसे है, आपकी स्टोरी कैसी है डॉक्टर की, इसमें क्या है सर? मैं बताया, मैं ये कहानी का अंश नहीं देने वाला. बस ये है, मैंने बताया कि देविका से बेइंतहा मोहब्बत करता है, बचपन में करता था, बड़े होने के बाद वो वापस जिंदगी में आई, तो वो उस मोहब्बत को किस तरह इजहार करता है, उसको किस तरीके से फॉलो करता है, उस मोहब्बत को किस तरीके से जीता है खुले दिल से, और क्या वो मोहब्बत उसको रेसिप्रोकेट होती है, होती है तो वो प्यार कितना गहरा होता है, उन चीज़ों से जो कहानी के रुख मुड़ते हैं उस बारे में है. उससे ज़्यादा बोलूँगा तो थोड़ा आप लोगों को पता पड़ जाएगा, फिर देखने का क्या मजा है. जी सर, नहीं देखता मैं. क्यों? रीजन? सर मैं उसी कारण से नहीं देखता जिस कारण से मैं अर्णब गोस्वामी को नहीं देख सकता. चिल्ला चिल्ली, एक दूसरे पे वाद विवाद, रोप आरोप, मेरा सीन नहीं है लाइफ का. लोग देखते हैं, लोग उस बारे में बात करते हैं, तो मेरे को कुछ खबरें मिल जाती हैं, और मुझे कोई ऐसी तकलीफ नहीं है. कोई देख रहा हो तो साथ बैठ के मैं देख लूंगा. आप पर्सनली पसंद नहीं करते? बिल्कुल नहीं. क्या चीजें आपको बुरी लगती है उसमें सबसे ज्यादा?
सर मुझे ये गाली वाली तो सर हर इंसान देता है, उसमें क्या है, गाली से ज्यादा काफी पर्सनल स्पेस में घुसते हैं लोग, मुझे वो पसंद नहीं है। शादी मैरिज तक हो जाती है, अंदर ड्रामे हो जाते हैं, वो ड्रामा ही तो हुआ, ड्रामा तो पसंद नहीं, जीवन सरल होना चाहिए ना, उसको सरलता से जीने दो। आप लोगों को क्यों चुटकी भरते हो कि ऐसा करिए, अंडे नहीं देंगे हम, राशन नहीं देंगे हम, पानी नहीं देंगे, ताकि आप एक दूसरे का सर फोड़िए, क्या जरूरत है? माँ बाप तक को नहीं छोड़ा जाता है, इसीलिए तो पसंद नहीं है। आप आराम से बैठिए घर पर, अपना जीवन खुशी से व्यतीत करिए। आपको कब न्योता आता है बिग बॉस से? आप जाना कभी नहीं, दो दिन के लिए जाना चाहिए आप? कभी नहीं सर। क्यों? क्योंकि मैं अपनी तीन रीजन, मैं अपनी लाइफ को जजमेंट पे नहीं सस्पेक्ट रखना चाहूंगा कि लोग मुझे देखें, मेरी पर्सनालिटी को जज करें। इतना बहुत नहीं है कि आपके परिवार वाले आपको करीबी रूप से जाने, दुनिया को मेरे को नहीं जन्माना अपने आप को। और दूसरा रीजन? तीन रीजन, आप अपनी किताबें भी नहीं लेके जा सकते यार वहां पढ़ने के लिए, तो आप इंसान के पास और कोई चारा नहीं बचता पर एक दूसरे की बातें करने की बजाय, और एक दूसरे की बातें करना अपनी पर्सनल ग्रोथ पे एक आप खुद को फेस कर सकते हो, पर एक हद तक कहाँ तक करोगे? आपको गॉसिप पे तो आना पड़ेगा, गॉसिप मेरा जोन है नहीं। तीसरा मैंने बोला जजमेंट, मैं किसी की जजमेंट पे ना होना चाहता हूँ, ना मैं किसी को जज करना पसंद करता हूँ। जैसा है खुश रहे अपनी जिंदगी में, मैं अपनी जिंदगी में खुश। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।